अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कैट्स फार्मिंग के बारे में। थोड़ा अजीब लगता है सुन के कि कैट्स फार्मिंग, क्योंकि फार्मिंग, हैंड फार्मिंग सुना होगा, गोट फार्मिंग सुना होगा, तो ये कैट फार्मिंग जो सा है ये एक न्यू चीज़ है स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तो कैट्स फार्मिंग हो रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रेंड पाकिस्तान में भी आ रहा है। जैसे जैसे कैट्स की डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से कैट्स के फार्म भी जो है वो लोग बनाएंगे। और मैं इस काफ़ी देर से कैट्स पाल रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो ये 2019 टू 2020 का जो टाइम आ रहा है इसमें काफ़ी डिमांड हो रही है कैट्स की, एक ट्रेंड बन चुका है। स्पेशली वो जो मॉडर्न लोग होते हैं वो एक किस्म का फैशन समझते हैं कैट्स को रखने का, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन पेट साबित होता है। इसको बहुत इजीली कैट को टेम किया जा सकता है और ब्यूटी वाइज तो आपको पता ही है कि कैट कितनी ब्यूटीफुल चीज़ होती है, तो इसीलिए इसको साइन ऑफ ब्यूटी भी समझा जाता है। और वाइट कैट रखने का ट्रेंड आम होता जा रहा है, लोग इनको अपने घरों में, अपने लॉन में रखना पसंद करते हैं, एज ए पेट रखना पसंद करते हैं, और ये बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर होता है इन कैट्स का। और स्पेशली वाइट कैट को तो गुड लक के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि जी अगर घर में वाइट कैट हो तो गुड लक की अलामत है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से लोग इनको रखना पसंद करते हैं, इसीलिए अब लोग कैट फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कैट फार्मिंग के कौन लोग कर रहे हैं और कैसे कैट फार्मिंग हो रही है। तो आपको मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ तुर्की में जो कैट फार्मिंग हो रही है, और वो वहाँ पे टू कलर आई वाली कैट बहुत पसंद की जाती है, जिसकी एक आई का कलर और होता है और दूसरी आई का कलर डिफरेंट होता है। तो वो उन्होंने एक फार्म बनाया हुआ है और उसके बाद उस फार्म को लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। लोग वहाँ पर टिकट पे करते हैं, टिकट लेते हैं और फार्म में आते हैं, उन कैट्स को देखते हैं। अगर किसी को कोई कैट पसंद है, कोई बाय करना चाहता है, तो वो वहाँ से बाय करते हैं। तो ये एक ट्रेंड काफ़ी आम है। तो चलें, ये तो आपको देख ही पता चलेगा कि कैट फार्मिंग कैसे हो रही है और कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। चलें आपको मैं तुर्की का फार्म दिखाता हूँ। יגיעו לכם לסעוק. זאת שנפת, אה? जी व्यूअर्स, तुर्की का कैट फार्म तो आपने देखा है, अब मैं आपको ले चलता हूँ अमेरिका के फार्म में। अमेरिका में एक लेडी है जिसको कैट लेडी बोला जाता है, उसका नाम गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है कि उसने एक टाइम पे 28,000 कैट्स जो से वो पाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और उसका नाम गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। और उस कैट लेडी के एक फार्म का आपको मैं विज़िट करवाता हूँ, उस एक फार्म में भी 11,000 से ऊपर तक की कैट्स मौजूद हैं, और बहुत ही बड़ा फार्म है, बहुत ही बड़ी जगह उसने ली है। वहाँ पे उसने कैट का हॉस्पिटल अलग से बनाया है जहाँ पे कैट्स का इलाज होता है, उसके बाद उनके खेलने के लिए ग्राउंड अलग से है, उनके अंदर स्विमिंग पूल है, उसके अंदर किचन है, वॉशरूम्स हैं, सब कुछ है। पूरी की पूरी एक टीम जो उसके साथ काम करती है, कैट्स को फीड करते हैं, कैट्स को मेंटेन करते हैं, और वहाँ पे लोग आके कैट्स को $500 में पर कैट अडॉप्ट भी करते हैं, और वहाँ पे कोई कैट देना चाहे तो वो दे भी देते हैं वहाँ पे, और एज अ वॉलंटियर भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो आइए आपको मैं कैट लेडी से मिलवाता हूँ और उसका फार्म दिखाता हूँ। That's probably a record.
The Cat House on the Kings is California's largest no-cage sanctuary for feral and abandoned cats. Founded by Linnea Latanzio in her home, the sanctuary currently houses around 800 adult cats and 300 kittens, and the sheer numbers have forced Linnea to move out of the main house. This is my boy. There wasn't room for me anymore. I ended up with 60-some cats in my bedroom with dogs, and I just said, that's it, and I moved out. We had a rental on the property, and I moved to that rental. I went from a 4,200 square foot, five-bedroom home with a pool and a wet bar and a view of the river to a 1,600, 1,800 square foot mobile home with a view of a rusty metal shed. I've come up in the world. This is my cat-free zone, ha ha. In 1992, Linnea's father had asked her to help him find some new cats. She went to an animal shelter and brought home 15 kittens. By the end of the year, she'd rescued and rehomed 96 cats. It was then that she realized she'd found her calling. When I first started this endeavor, I was out of my own pocket for 7 years. I spent my retirement, I sold my car, I sold my wedding ring. He is so fat. In 1993, she became a veterinary technician to help keep the animals' medical costs down, and the number of cats continue to grow. The sanctuary is now so big that Linnea has staff and a team of volunteers to help run it. Currently, for food, litter, maintenance, staffing, vet, medical, we're at $1.6 million US dollars a year. We come in about 4 o'clock in the morning, and you know we start by feeding. It usually takes us like maybe like 30 minutes to an hour to feed everyone. I first started here, I wasn't really a cat person, but after that, you know, you work with them 5 days a week and you get attached to them. Man. Everybody has different characteristics and you get to know them and they get to know you. Kind of wait for you while you walk in the gate, and it's pretty cool, man. This is our ICU. We have a hospital, an ICU, a kitten quarantine, a senior quarantine, but that is where our critically ill cats stay. We have a vet that comes once a week to check our animals. We take animals into him every day for a check, and we have 7 vet techs on staff. When a generous donor left Linnea her estate in 2004, the profits from the sale allowed her to buy the neighbouring land and expand the grounds to 12 acres and install cat-proof fencing around the perimeter, meaning all the cats could roam freely. See, under the trees, all those are cats over there. There's one on the straw. That's their feeding station and their bedding and their heater back there. But see, there's a cat over there. As much as Linnea loves the cats, her aim is to find them new homes, not to keep them for herself. If you are interested in adopting, you would go to our website and fill out the adoption form. There's 500 up for adoption that are friendly and ready to go. जी व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है. जिस किसी को भी पूछना है कैट्स के बारे में, या कोई भी क्वेश्चन या बर्ड्स के बारे में पूछना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आपको उसका आंसर इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अल्लाह हाफिज़.